झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने झीरम मेमोरियल जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर तीखा हमला कर कहा कि भाजपा बताए कि रमन्ना और गणपति का नाम FIR से क्यों हटाया गया, अब उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, आयोग की रिपोर्ट सीधे राजभवन को क्यों दी गई और धर्मलाल कौशिक स्टे लेने क्यों पहुँच गए। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए, उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, उसके संपत्ति कुर क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रिपोर्ट में FIR में यदि किसी अपराधी का नाम दर्ज हो गया तो वो हटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका नाम क्यों हटा गया और क्यों बचाना चाहते हैं आप, आपका उद्देश्य क्या था। जो मुझसे पूछते हैं ना, पर्ची है ये। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे इस बात का कि FIR में नाम होने के बाद उसे हटाया क्यों गया। दूसरी बात, जो आयोग गठित किया गया, आयोग को रिपोर्ट आया, आप सब जानते हैं राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, राजभवन में उसको सबमिट किया गया, कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आयोग की रिपोर्ट सरकार को न देकर, चीफ सेक्रेटरी को न देकर सीधा राजभवन में दिया जाता है। और जब हम लोग, जब हमारे पास आया ही नहीं है और उसके बाद उसके खबरें चलने लगी, तब हम लोगों ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और आयोग के गठन करने के बाद उसको स्टे कौन लेता है? उसको स्टे लेता है धर्मलाल कौशिक। उसकी वकालत कौन करते हैं? महेश जेठमलानी, जो भाजपा का सांसद है।